हमने बहुत से ऐसे जानवरों को आज तक शिकारियों के शिकंजे से बचाया है, लेकिन एक बात मेरे दिमाग में कभी कौंधी नहीं कि अगर शिकंजा लेके जानवर भाग ही जाता है तो शिकारी के हाथ क्या आता है, और ये बात मेरी इस अगले केस से क्लियर हुई। एक डॉग है, उसको ट्रैप लग गया है, लगा तो काफी दिन से और मिल नहीं रहा वो पहले में, तो आए लोगों ने कॉल करी कि यहाँ आया हुआ है। आगे बताओ, सामने बैठा हुआ है, एक इधर से जाएगा ना, एक ऊपर से, एक उस साइड से आता है। ओयो, ओ है, भैया। डॉली, ए ए, डॉली, चल, डॉली, ओ पीछे खुलो, डॉली खुलो खुलो, ओ आई आई आई, डॉली, ए पीछे, थल्ला कर थल्ला कर। खत्म जल्द से जल्द हो और इन्फेक्शन को खत्म होते ही हम इसकी सर्जरी कर देंगे। तो है क्या, लोग ट्रैप की इस वायर को किसी पेड़ या पिलर से बांध के तो रखते हैं ताकि जानवर वहीं फंसा रहे, पर जब वो देखते हैं कि सुअर नहीं, कुत्ता या कोई ऐसा जानवर फंसा है जिसको वो खा नहीं सकते, तो फिर वो जानवर को ट्रैप समेत छोड़ देते हैं। दिक्कत ये आती है कि कई बार फिर हमें उस जानवर को पकड़ने में इतनी देर हो जाती है कि हमें उसका पैर काटना पड़ता है। तो अगर डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में आपको कहीं ट्रैप में फंसा हुआ कोई ऐसा जानवर दिखता है जिसे आप खाना नहीं बचाना चाहते हैं, तो आप प्लीज़ हमें कॉल करिएगा। बेशक ट्रैप आपने लगाया हो, हम आपको बिल्कुल जज नहीं करेंगे, क्योंकि देखिए जानवरों के पीछे भागना हमारे लिए भी बहुत खतरनाक है, जैसा इस अगले केस में हुआ जहां पे गाय जाके ट्रेन ट्रैक्स पे बैठ गई। कोशिश कर रहे हैं हम कि जल्दी ये हल्का फुल्का कहीं चले, उठ रही है बैठ रही है, उठ रही है बैठ रही है, दो तीन बार तो कोशिश कर बैठी है मारने की। तेरा इलाज करना है देंगे, क्योंकि इसमें मैगट बोन भी था, तो पहले मैगट को क्लियर करेंगे, आधी फिर स्प्रिंटिंग करेंगे। स्प्रिंटिंग तो होनी ही है क्योंकि बोन बाहर है, इसलिए क्योंकि अभी तो डेविलशिप बनेगा ना, अगला रिस्क दिखाने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि हम आपको अपने नए हॉस्पिटल और सैंक्चुरी के बारे में भी बीच बीच में तीन अपडेट्स देंगे। एक छोटा सा काफ है जिसको आंख के ऊपर शायद चोट लगी हुई, उसकी वजह से अब पूरा मैगट बूंद है, और एक शायद एक आंख चली गई उसकी ना। कोई बात नहीं, हाँ ऐसे पकड़ लो, बस 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 नहीं, एक सेकेंड बच्ची डॉग बाइट हुई है इसकी, यहाँ पे भी आरक्षित बुरा है, पीछे भी है डॉक्टर साहब, डॉग ही है। अरे जिंदे जिंदे डॉक्टर साहब, डॉग बाइट नहीं, मेरे को भी लग रहा है LSD, क्योंकि देखो ये जो भी खेड़ा निकाल रहे हैं ना उसके नीचे छेद आ रहा है, जैसे ये लंप, ठीक है ये देखो हो भी सकता है। मास्क कर लेना, ये मास्क लगा देंगे ना ताकि ये खारिज करके अपनी बैंडेज ना खोले। ये आज रोटी खा रहा है वैसे ना, उस दिन नहीं खा रहा था, ये बैठा ही हुआ था। हाँ जी, तो इसका सर कुछ पता लगा कि इसको डॉग बाइट है या LSD? जो उसके स्किन पे लीजन्स थे वो राउंड लीजन्स थे, वो लग रहा था हमें कि वो LSD रिकवर्ड लीजन्स हैं, क्योंकि उनकी स्कैबिंग हो चुकी है तो वो झड़ रहे हैं। लीजन जो घाव से हैं, जो घाव जो राउंड लीजन्स जो हैं जैसे LSD में होते हैं, तो वो हमें LSD के लिए लग रहा है कि इसको हुआ था, अब ये रिकवर हो चुका है, पर जो आँख पे हुआ है वो डॉग बाइट ही लग रहा है। तुम पहले ये जो कांच बंद रहा है यार इसका ले लो, फिर ये एक घंटे में पूरा हो जाएगा। तो ये एक घंटे में पूरे में कांच बनने के बाद यहाँ पे फिर सीमेंट का फ्लोर डल जाएगा और ये बिल्कुल ऐसा दिखेगा एकदम चिकना। और ये स्कर्टिंग भी हम क्या कर रहे हैं कि हम सीमेंट के स्कर्टिंग है और साथ में पाइप से इसको गोल कर रहे हैं ताकि झाड़ू पोंछे में बिल्कुल कोई दिक्कत ना आए। और फिर चले मैं तुम्हें काउ शेड का भी दिखा देता हूँ और फिर उसके बाद सेंचुरी भी जाना है।
सुदर्शन हमारे पास पिछले 4 महीने से है, वो वायर ट्रैप केस के लिए आया था, उसकी नेक के अराउंड वायर ट्रैप था, कंटिन्यूस उसका ट्रीटमेंट अब चल रहा था, अभी वो कम्प्लीटली हील हो चुका है, प्लस साथ साथ हमने उसकी न्यूटर सर्जरी भी कर दी है और वो भी हील हो चुका है, इसलिए अभी हम उसको रिलीज कर रहे हैं। ये हमारे काउ शेड का प्लिंथ बन गया है और अब पिलर्स खड़े हो रहे हैं। एक प्रॉब्लम जो हमें आई ना यार, वो ये हुआ कि हमारे पिलर बन गए बड़े और अब हमने 3-3 सरिये यहाँ से काटे हैं ताकि हमारे को अंदर जगह टाइट ना हो, तो इनको हम सीमेंट से ही भरे हैं, ये ऐसे ही दिखेंगे पिलर सारे। इसके ऊपर हमारा एक टिन का लॉफ्ट आएगा जिसपे सारा भूसा रहेगा और उसके ऊपर फिर फाइनली टिन की छत आएगी। तो हमारे को ये है कि पहले फटाफट छत डल जाए क्योंकि ऑलरेडी मानसूनस एक्सटेंडेड हैं, अभी भी मानसून चल रहे हैं और सर्दियों की बारिशें शुरू हो जाएंगी कुछ महीनों में, तो बारिशों में हमारा काम चलता रहे इसके लिए छत डलना हमारा बहुत ज़रूरी है। इसको फ्रैक्चर ऊपर है ना कि जब ये हमारे पास आई थी तो इसके टेल बोन थी वो एक्सपोज थी और काफ़ी ज़्यादा चोटें लगी हुई, तो इससे खतरा ये था कि टेल से इन्फेक्शन इसकी पूरी बॉडी में फैल सकता था। आज मौसम अच्छा है इस वजह से हम पंजेरे की टेल एम्पुटेशन सर्जरी कर रहे हैं। पीछे वाले टांग में बहुत डीप कट है, ये आइडिया नहीं है कि किस वजह से हुआ है ये। कोई मुझे लगता है यहाँ पे कुछ फंसा था इसके, तो इसने खींच खींच के निकाला है, तभी स्वेलिंग है ना नीचे तो पूरी। हाँ। आंख भी लाल है। इसके पीछे वाले हाइंड लेग में थोड़ा सा मसल मास गया हुआ है, ज़्यादा पॉसिबिलिटी ये डॉग फाइट की लग रही है क्योंकि इसके दूसरे बॉडी पार्ट्स में भी स्क्रैचेस हैं, तो अभी हमने इसकी एंटीबायोटिक और पेन किलर इसके स्टार्ट कर दिए हैं। हो जाएगा जल्दी हील, तो उसको जल्दी रिलीज कर देंगे ना, फिर डिटॉक्स भी कर लेंगे, फिर अभी तो रखना पड़ेगा ना कुछ दिन के लिए। अभी जो अगला सेगमेंट है ये हमारी फिलॉसफी का जीता जागता सबूत है कि बिग और स्मॉल वी लव देम ऑल। ओह माय गॉड, आर यू किडिंग मी। इस चूहे में आई इंजरी हो रखी है जिसकी वजह से इसकी पूरी आई बाहर आ गई और ख़राब हो चुकी है, तो अभी हम सर्जरी करके इसकी आई रिमूव कर देंगे। अभी हमने रैट की इन्यूक्लेशन सर्जरी कंप्लीट की, मैं पस भी काफ़ी पड़ी हुई थी, तो जैसे ही हमने इंसिजन दिया अराउंड तो पस से ड्रेन होनी शुरू होगी, और पस ड्रेन हुई तो आँख का साइज वैसे ही रिड्यूस हो गया जो बाहर लटका हुआ था, और हमने उसको फिर काट के अभी अच्छे से सूचर कर दिया। प्लस अभी हम इसको एंटीबायोटिक्स और पेन किलर्स पर रखेंगे और ये हमारे पास अभी केस रेस्ट में रहेगा। निकल जाओगे तो स्विच ऑन चलेगा। टेल इंजरी इसकी आँख में इन्फेक्शन था इसलिए हमने इसको पालनपुर भेजा था, वो ठीक नहीं हो रहा था, हमने काफ़ी ट्रीटमेंट किया चलाया था, तो मैंने एक थॉरो एग्जामिनेशन के लिए इसको पालनपुर भेजा था ताकि एक बार फुली चेकअप हो जाए और डिटेक्ट हो जाए कि एग्जैक्ट प्रॉब्लम इन्फेक्शन जो भी ऑर्गेनिज्म क्या है। किया उन्होंने चेकअप, कुछ और नहीं है। मैं तुम्हें कहा था ना एक बार सैंक्चुअरी की फेंसिंग कम्प्लीट हो जाती है तो जो पुरानी लकड़ी के हमने पैनल खरीद रखे हैं इसका हम कमरा बना छोड़ेंगे और फिर यहाँ पे कोई हमारा केयर टेकर रहेंगे जो दिलवर भैया रहेंगे। बाय द वे ये कृपालू भी हैं, इन्होंने हमारी टीम को अभी ज्वाइन किया है कंस्ट्रक्शन क्रू का पार्ट। हमने बस अब कमरे को थोड़ा कंफर्टेबल बनाना है दिलवर भैया के लिए, इसमें जाहिर सी बात है फर्श डलेगा और इसमें प्लाई लगानी पड़ेगी ताकि भाई सर्दियों में बंदा यहाँ पे अकड़ ना जाए। दिलवर भैया कच्चा फर्श डालेंगे आपका? पक्का पक्का जी पक्का। एक और है हमारा वो जो अमित पैरावेट हमारे यहाँ काम करता था, वो चंबा से हमारे को एक ब्लाइंड या तो म्यूल है या डोंकी है वो भेज रहा है, तो ये तो सेंचुरी शुरू होने से पहले ही भर जाएगी। भाई जी की हालत धीरे धीरे ख़राब हो रही थी, वो बहुत ज़्यादा एनीमिक था जिसकी वजह से वो एक जगह खड़ा तो हो जाता था सपोर्ट के साथ पर तो चल नहीं पाता था। उसके जो वूंड था जहाँ पे वहाँ पे और नई पॉकेट्स बन रही थी उसमें भी बहुत इन्फेक्शन था, पस पड़ रही थी, प्लस उसकी जो बोन है वो नहीं जुड़ रही थी और वो ब्लैकिश भी हो रही थी एंड से, तो कैलस फॉर्मेशन जीरो थी उसमें और उसकी हालत बहुत ख़राब ही होती चली गई। हमने बहुत ट्रीटमेंट चेंज भी किया, थेरेपी चलाई, उससे भी उसको फ़र्क नहीं पड़ रहा था, उसकी हालत डिटेरियरेट ही हो रही थी दिन प्रतिदिन। हमारी इतनी कोशिशों के बाद भी वो नहीं बच पाया।
गले में वुंड था, वुंड का ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया था। अब वुंड की हालत काफ़ी हद तक ठीक है, तो आज से हमने इसके वॉर्ड्स की प्रॉब्लम के लिए भी इंजेक्शंस और जो थेरेपीज जो होती हैं वो हमने स्टार्ट कर दी है। थेरेपीज में इसका है ऑटोहीम थेरेपी, जिसमें हम इसी का ब्लड यूज़ करके इसी को इंजेक्ट करेंगे। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए इंजेक्शन हमने इसको इंजेक्ट कर दिए ताकि वॉर्ड्स जल्द से जल्द ख़त्म हो जाए। कहाँ जा रहे तू? ये फर्स्ट टाइम वॉक पे जा रहा है। चलो, चलो, नो, नो, अच्छा, चलो, चलो, जा रहे हम, कम है, ऐसे सारी खुजली यही है तेरे को, इसको वॉक करना बहुत पसंद है, मैं थोड़ी करवाती हूँ वॉक, तो ये करवाता हूँ मेरे को, खुश लग रहा है ये, हाँ, इसको कोई नहीं जाना है घर वापस, ना बोल रहा है कि चलो, ये रखो। आपको थोड़ा सा इसको दी चलाना पड़ेगा ना अभी रोज, ताकि वो ह्यूमन टच से थोड़ा सा कम डरने लगे। लेकिन आप ही करोगे, एक ही पर्सन डेडिकेटेडली मॉप का करेगा, तब जाके ये सुधरेगा। चाशो चले वापस, कि अभी करनी वॉक, तो चलो वॉक करने के वापस जाना है, वॉक करनी है, अब हमें और काम नहीं करने के, बता दे। अब कहते हैं ना कि आप ऐसे हो जाते हैं जिन लोगों के साथ आप समय व्यतीत करते हैं। अब ये महाराज क्योंकि राधा के साथ समय व्यतीत कर रहे हैं, तो हो सकता है बहुत जल्दी अच्छे हो जाएं।